जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन द्वारा जिले के गुम इंसानों एवं अपहृत बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु विशेष अभियान चलाकर तत्काल दस्तयाब करने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में जशपुर जिला पुलिस ने 1999 से 2002 के बीच चूल्हा पानी निवासी एक नाबालिग लड़की अपनी सौतेली माँ की प्रताड़ना से परेशान होकर अपने रिश्तेदार के साथ बच्चों की देखभाल के लिए दिल्ली चली गई थी, जहां से वह कुछ सालों बाद लखनऊ स्थित एक घर में रह रही थी। इसी बीच वह अपने भाई से बातचीत करती रहती थी। इस दौरान उसके भाई ने बताया कि पिताजी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जिसके बाद युवती 19 मई को अपने गांव आई और अपने पिताजी और मामा जी के साथ थाना पहुंचकर सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने बरामदगी पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार कर दस्तयाब किया। मैं दिल्ली चली गई थी। दिल्ली में आप क्या करती थी? मैं बेबी सीटर थी, बेबी का ख्याल रखती थी। कौन ले गया था? मेरी बुआ। तो कितने साल बाद जसपुर पहुंची हो? 20 साल बाद। कैसा महसूस हो रहा है जसपुर आके? काफी डिफरेंस और अच्छा है। तो इतने सालों तक आप क्यों नहीं आ पाई, क्या कारण रहा? पहली वजह तो मेरे पापा की शराब थी, और दूसरी वजह मुझे याद ही नहीं था कि मैं कौन कैसे आ सकती हूँ, कहाँ उतरूंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आता था। क्योंकि मुझे गांव का या नाम ही याद नहीं था, बस इतना याद था कि महुआ टोली का है, पर पूरा नाम याद नहीं था, इसलिए नहीं आ पाई। आप अपने घर वालों से मिले, जशपुर पुलिस की अभियान के तहत आप भी आज मिल गई, तो जशपुर पुलिस के लिए क्या मैसेज देंगे आप? थैंक यू, हाथ जोड़ कर थैंक यू कहना चाहूँगी। जशपुर पुलिस लगातार एक अभियान पर काम कर रही है कि इस तरीके के जो गुम इंसान है या 363 के तहत जो अपराध कायम है, उसको एक विशेष अभियान के तहत हम लोग केस दर केस उसके निकाल में जो अभियान चल रहा है, उसके तहत ये बच्ची 20 साल बाद अपने गांव आई, और उसमें हमारे नारायणपुर थाने की पुलिस का विशेष योगदान रहा। और इसकी कहानी थोड़ा डिफरेंट तरह की है, क्योंकि ये इसके पिता के द्वारा शराब पीने के आदि, ऐसा इसने अपने बयान में बताया है। लेकिन हम लोगों ने इसे ढूंढ निकाला, और ढूंढ निकालने के बाद आगे की जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है।